नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बताना चाहेंगे आज एक बार फिर हम हमारी विशेष श्रृंखला भारतीय काव्य शास्त्र, इस पर आपके लिए एक व्याख्यान लेकर आए हैं और हमारा आज का व्याख्यान होगा रस पर। हम जानेंगे कि रस का क्या अभिप्राय है और इसका क्या स्वरूप है, और इस व्याख्यान के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कुमारी। आप सभी से साझा करना चाहेंगे। डॉक्टर विनीता कुमारी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आप कई वर्षों से अध्यापन के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं और आपका प्रयास हमेशा सफल रहा है, क्योंकि आप सदैव यही प्रयास करती हैं कि आप सभी छात्र छात्राओं को लाभान्वित करती रहें अपने ज्ञान रूपी सागर से। मित्रों, हम जानते हैं आपके मन में सदैव प्रश्न उठते हैं और इन लाइव व्याख्यानों के माध्यम से आप यही चाहते हैं कि आप प्रश्न पूछें, तो आपके पास आज एक बार फिर ये सुनहरा मौका है कि आप इस लाइव सेशन में प्रतिभागी बन सके। यहाँ प्रश्न आप पूछ सकते हैं टोल फ्री नंबर के माध्यम से। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। नंबर पुनः नोट करें, 1800-110-430। आप सभी से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि आप विषय परक जो हमारे प्रश्न हैं वो ही साझा करें, वो ही पूछें, और साथ ही साथ आप अपने प्रश्न आखिरी 10 मिनट में पूछ सकते हैं। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर विनीता कुमारी का और आपके माध्यम से रस इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। डॉक्टर विनीता कुमारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। नमस्कार मित्रों, रस सिद्धांत भारतीय काव्य शास्त्र का प्राचीनतम सिद्धांत है। काव्य शास्त्र में सर्वप्रथम चर्चा रस सिद्धांत को लेकर ही प्रारंभ हुई थी, जो रीति काल तक हम देखते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत रीति काल तक ये चर्चा चलती रही। और सर्वप्रथम रस सिद्धांत का प्रामाणिक और विशद विवेचन हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। यद्यपि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में दृश्य काव्य के रूप में, एक दृश्य विधा के रूप में नाटक के संदर्भ में रस की चर्चा मिलती है, परंतु परवर्ती काल में विशेष रूप से ध्वनिवादी आचार्य आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त ने उनको दृश्य काव्य के साथ साथ श्रव्य काव्य के साथ भी जोड़ दिया, और इस रूप में काव्य के संदर्भ में रस की विस्तृत चर्चा हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रारंभ होकर के और आधुनिक काल में भी, यद्यपि पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों के आधार पर स्वरूप परिवर्तित हुआ, परंतु रस की चर्चा प्रासंगिक रूप से या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनवरत चलती रही है। चाहे वे प्राचीन काव्य शास्त्री रहे या आधुनिक समीक्षक रहे, वे भावानुभूति की बात करते हैं या रसानुभूति की बात करते हैं या काव्यानंद की बात करते हैं, तो वे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से रस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि भरत मुनि ने स्पष्ट शब्दों में प्रारंभ में ही कह दिया था, न कश्चित प्रवर्तते, रसाद रीते न कश्चित प्रवर्तते, कि रस के बिना कुछ भी प्रयोजन काव्य के संदर्भ में सिद्ध नहीं होता। तो इसलिए जब काव्य की चर्चा आती है तो उसमें रस का होना अनिवार्य हो जाता है। तो आज मित्रों, हम जानेंगे कि रस शब्द से क्या अभिप्राय है, रस का क्या अर्थ है, सामान्य बोलचाल के अर्थ में भी और विशिष्ट संदर्भ में भी, और इस रस का स्वरूप क्या है। तो ये आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा। रस को जब हम आम बोलचाल में देखते हैं, सामान्य प्रयोग के संदर्भ में देखते हैं, तो वैदिक साहित्य से ही, वैदिक काल से ही हमें रस शब्द मिलता है। जल के अर्थ में, द्रव के रूप में, वीर्य, सार, स्वाद, विष, मधुर, तिक्त आदि, मधुर तिक्त आदि जो षड रस हैं उनके संदर्भ में, सोमरस, सुरा, शोणित, पारद, आयुर्वेद में जब बात की जाती है तो पारद रस के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से परमात्मा के भी पर्याय रूप में रस शब्द का प्रचलन रहा है। तैतरीय उपनिषद में परमात्मा के लिए रसो वही सह कह दिया गया, कि वह जो परमात्मा है वो रस रूप है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वैदिक काल से विभिन्न अर्थों में, विभिन्न प्रयोगों में
रस शब्द प्रचलित रहा है। रस शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से हमें दो रूपों में दिखाई देता है। वस्तु रूप में, वस्तु रूप में जैसे जल है, कोई भी द्रव्य तरल पदार्थ है, उसके अर्थ में पेय पदार्थों के लिए रस शब्द का प्रयोग मिलता है। जैसे कह देते हैं गन्ने का रस, फलों का रस, तो किसी भी रूप में। और दूसरा है आस्वाद के रूप में, रसनेन्द्रियों के रूप आस्वाद के रूप में, कि मुख से जिह्वा से जिसका आनंद लिया जाता है, जिसका रस ग्रहण किया जाता है, उस रूप में। जैसे मिठाई खा करके रस मिला, या मीठा पदार्थ खाया, या खट्टा पदार्थ खाया, या तीखा पदार्थ खाया, तो जिह्वा को जो स्वाद जो रस प्राप्त हुआ, उस रसनेन्द्रिय के संदर्भ में। और विशेष रूप से भी मधुर रस के लिए, सोम रस के लिए रस शब्द का प्रयोग मिलता है। और आस्वाद के रूप में जो रस शब्द है, वे तो मिलता ही है, साथ में भौतिक आनंद के पर्याय रूप में भी रस शब्द का प्रयोग हमें मिलता है। जैसे भौतिक आनंद हम कहें कि शतरंज खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, उसको खेलते हुए हमें बड़ा रस आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, संगीत सुनने में हमें बड़ा रस आ रहा है, या कोई तमाशा खेल सर्कस आदि देखते हैं तो देखने के बाद कहते हैं कि देखते हुए हमें बड़ा रस आ रहा है। तो ये जो भौतिक लौकिक आनंद है, उसके लिए भी रस शब्द का प्रयोग हमें दैनिक व्यवहार में, आम बोलचाल में मिलता है। और केवल रसनेन्द्रिय के संदर्भ में ही नहीं, केवल जिह्वा के स्वाद के लिए ही रस शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है, अन्य इंद्रियों के आनंद के लिए भी रस शब्द का प्रयोग मिलता है। जैसे श्रवण इंद्रिय देख लीजिए, कानों से कोई मधुर संगीत सुना, कोई गीत सुनते हैं तो हम कहते हैं बड़ा रस आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, तो श्रवण इंद्रिय के लिए। इसी तरह से नेत्र इंद्रिय देखिए, चक्षुर इंद्रिय, आँखों से कोई सुंदर वस्तु देखी, कोई सुंदर फूल देखा, तो कहते हैं कि फूल देख करके या इस सुंदर वस्तु को देख करके बड़ा रस मिल रहा है, आँखों को बड़ा आनंद मिल रहा है। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय, नाक से जब हम सुंदर खुशबू को, कोई सुगंध को सुनते हैं तो आनंद रस की प्राप्ति होती है, या त्वचा किसी कोमल स्पर्श का जब अनुभव करते हैं तो किसी कोमल वस्तु का स्पर्श करके हम कहते हैं इसका स्पर्श करके बड़ा रस मिल रहा है, कोई कोमल वस्तु का स्पर्श, कोई अच्छी वस्तु का स्पर्श मिलता है। तो इस तरह से केवल रसनेन्द्रिय ही नहीं, घ्राण इंद्रिय, चक्षुर इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय, तो पंचेंद्रियों जन्य जो आस्वादन है, वे भी रस कहा जाता है बोलचाल में। और इस तरह से लौकिक, परंतु हम देखें तो काव्य रस की जब हम बात करते हैं, वह रस और जो इंद्रिय जन्य रस है, उनमें अंतर है। हम उस इंद्रिय जन्य रस को, चाहे वो पंचेंद्रियों में से किसी से भी रस की प्राप्ति हो रही है, उस रस को विषय जन्य कहेंगे, वे लौकिक रस कहलाता है। पर जब काव्य रस की बात की जाती है, जब कविता को, जब किसी नाटक आदि, किसी भी दृश्य या श्रव्य विधा के रस की बात करते हैं, तो वह रस उस लौकिक रस से, उस लौकिक आनंद से भिन्न होता है। फिर कहा जाता है लौकिक और भौतिक वस्तुओं से प्राप्त इंद्रिय जन्य आनंद से भिन्न अनुभूति के, जो मानसिक आनंद के रूप में। अब यहाँ देखिए मानसिक आनंद शब्द की बात की जा रही है, और यह मानसिक आनंद लौकिक अनुभूति से भिन्न होता है। और इस मानसिक आनंद के रूप में काव्य रस का सामान्य स्वरूप वैदिक काल से ही हमें देखने को मिलता है, वैदिक काल से ही ये निर्मित हो गया है। और ये जो मानसिक आनंद है, जिसे काव्य रस कहा गया, इस मानसिक आनंद की प्रक्रिया क्या है,
और ये जो रसानुभूति होती है, जो ये आनंदानुभूति होती है, इसका स्वरूप कैसा है और ये लौकिक है या अलौकिक है, लोकोत्तर है, ये रसानुभूति वस्तु रूप है या आत्म रूप है, तो इन विभिन्न बिंदुओं पर काव्य शास्त्रियों ने अपने अपने विचारानुसार चिंतन किया, मनन किया और उन्होंने अपने ढंग से इस काव्य रस को परिभाषित करने का प्रयास किया। तो सर्वप्रथम प्रयास हमें भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के रस सूत्र से उपलब्ध होता है। भरत मुनि का प्रसिद्ध वो रस सूत्र है जो आगे चल करके परवर्ती सभी काव्य शास्त्रियों का रस को आधार बनाने का मुख्य स्रोत बिंदु रहा है। उनका सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब मित्रों देखिए, यहाँ पर शब्द आया है, एक आया है विभाव। विभाव अर्थात कारण, रस की अनुभूति के लिए जो कारण है। अनुभाव अर्थात कार्य, चेष्टा, व्यापार, कि उस रसानुभूति के बाद, रसानुभूति जब होती है कैसे उसके चेष्टाएं होती हैं, नायक या नायिका जो आश्रय है उनका क्या कार्य व्यापार होता है, वे अनुभाव होगा। और व्यभिचारी, संचारी भाव, जो रसानुभूति में सहायक कारण बनते हैं, उसको उत्तेजित करने में, उसको बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो अब यहाँ देखिए मित्रों, स्थाई भाव की अभी बात भरत मुनि नहीं कर रहे हैं। यह स्थाई भाव शब्द नहीं आया है। उन्होंने बस इस सूत्र में इतना कहा कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। अब इस रस निष्पत्ति को लेकर के परवर्ती काल में शंकुक, लोलट, अभिनवगुप्त, भट्ट नायक आदि ने विस्तार से चर्चा की है। इस पर मित्रों हम अलग से एक व्याख्यान लेंगे, रस निष्पत्ति पर। अभी हम बात कर रहे हैं भरत मुनि के इस रस सूत्र की व्याख्या को लेकर के। भरत मुनि ने जब ये सूत्र दिया तो इसको आगे चल करके दो अनुवांशीय श्लोकों के माध्यम से फिर उनकी कारिका प्रस्तुत करते हुए वे रस को समझाते हैं, उसको स्पष्ट करते हैं। और उसके लिए भौतिक, लौकिक आनंद के साथ प्रपाणक रस के साथ जोड़ करके उसको स्पष्ट करते हैं। भरत मुनि कहते हैं, यथा ही नाना व्यंजन औषधि द्रव्य संयोगाद रस निष्पत्ति, तथा नाना भावोपगम उपगमाद रस निष्पत्ति। अर्थात जैसे अनेक प्रकार के व्यंजनों, औषधियों, द्रव्यों के संयोग से एक रस की निष्पत्ति होती है। जब हम कोई पकवान बनाते हैं, कोई भोज्य पदार्थ बनाते हैं, तो उसमें हम अनेक व्यंजनों का, औषधियों का, द्रव्यों का संयोग करते हैं, तो वे पदार्थों का से मिल करके जो एक व्यंजन बनता है, उससे जो हमें रस, जो आस्वादन की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से नाना भावों के उपगम से, नाना भावों के संयोग से रस की, काव्य रस की निष्पत्ति होती है। फिर इसी को और आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यथा ही गुड़, गुड़ आदि भीर द्रव्यैर व्यंजनैर औषधिभिश्च षाडवादयो रसा निर्वर्त्यन्ते, तथा नाना भावोपगतापि स्थायिनो भावा रसत्वम आपनुवन्ति। अब देखिए मित्रों, जो रस सूत्र था उसमें हमने क्या कहा था कि उसमें स्थाई भाव की चर्चा नहीं करते हैं। अब इस कारिका में भी स्थाई भाव की बात करते हैं। यहाँ अंत में देखिए कहा है, स्थायिनो भावा
रसत्वम आपनुवंती, कि स्थाई भाव ही रसत्व को प्राप्त करते हैं। किस तरह से? लौकिक दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे गुड़ आदि द्रव्यों से, व्यंजनों से, औषधियों से षाडव आदि रस बनाते हैं, षड रस बनाते हैं, कटु, तिक्त, मधुर, लवण, कषाय, अम्ल, जो छह प्रकार खट्टे, मीठे, नमकीन, तीखे आदि जो रस बनते हैं, वो गुड़ का मिलाने से, द्रव्य मिलाने से, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, मसाले आदि मिलाने से जो छह रस बनते हैं, उसी प्रकार से नाना भावोपगता, अनेक भावों के उपगत होने पर जो रति, हास, शोक आदि हमारे स्थाई भाव है, जो हमारे हृदय के भीतर वासना रूप में स्थिर रहते हैं, प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं, वे ही इन भावों का संयोग पा करके रस रूप में परिणत होते हैं, रसत्व को प्राप्त करते हैं। फिर आगे भरत मुनि कहते हैं, रस इति क पदार्थ, अर्थात रस से किस पदार्थ का कथन किया जाता है? उच्यते आस्वाद्यत्वात्, आस्वाद्य होने के कारण रस कहा जाता है। अब भरत मुनि ने जो यहाँ पर आस्वाद्यत्वात् कहा, तो यहाँ उन्होंने रस को आस्वाद्य माना, पर परवर्ती काल में रस को आस्वाद्य ना मान करके आस्वाद रूप माना गया। तो ये भी एक विवाद का विषय बना कि रस आस्वाद है या आस्वाद्य है, वह वस्तु रूप है या आत्म रूप है। तो ये भी काव्य शास्त्रियों के बीच में एक चर्चा का विषय बना। तो दो मत हमें मिलते हैं। तो भरत मुनि ने रस को आस्वाद्य रूप में कहा, और इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा आस्वाद्यत्वात्। तो कथम आस्वाद्यते रसा, इस रस का आस्वादन किस प्रकार किया जाता है? तो उसके लिए भरत मुनि कहते हैं, यथा ही नाना व्यंजन संस्कृतम अन्नम भुंजाना रसान आस्वादयंती सुमनसा पुरुषा हर्षादिश्चाधिगच्छति तथा नाना भावाभिनव अभिनय व्यंजितान वाग अंग सत्वोपेतान स्थायी भावान आस्वादयंती सुमनसः प्रेक्षकः हर्षादिश्चाधिगच्छति। अर्थात नाना व्यंजन, अनेक प्रकार के व्यंजनों से संस्कृतम अन्नम, पकाए गए, तैयार किए गए अन्न का भुंजाना, भोग करते हुए अन्न का आस्वादन करते हुए, अन्न को खाते हुए रसान आस्वादयंती, रस का आस्वादन प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं? सुमनसा पुरुषा, स्वस्थ पुरुष। देखिए, कोई रोगी व्यक्ति है, उसके सामने कितना भी स्वादिष्ट भोजन क्यों नहीं आए, परंतु वे मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था ठीक ना होने के कारण वे उस भोजन का आस्वादन नहीं ले पाता, उसको उस खाने में स्वाद नहीं आता। स्वस्थ पुरुष ही, स्वस्थ व्यक्ति ही स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले पाता है। तो इसलिए भरत मुनि ने यहाँ शब्द प्रयोग किया सुमनसा पुरुषा, जिसकी मानसिक स्थिति, मानसिक अवस्था, शारीरिक अवस्था स्वस्थ है, वे ही उस अनेक व्यंजनों से पकाए गए अन्न का आस्वादन करके रस ले सकता है, रसास्वादन कर सकता है, और करके हर्षादिश्चाधिगच्छति, सुख की, हर्ष की, आनंद की अनुभूति करता है। तथा उसी प्रकार से नाना भावाभिनय, अनेक प्रकार के भावों से, भाव कारण विभाव, उनसे और अभिनय से, क्योंकि नाट्य के संदर्भ में, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि रस की विवेचना करते हैं, तो इसलिए अभिनय की बात कर रहे हैं। तो नाना भावों से, अभिनयों से जो व्यंजित हुआ है, व्यंजित क्या हुए? वाक
वाक से मतलब मुख से उच्चरित और अंग आंगिक चेष्टाएं और सत्व सत्व सात्विक चेष्टाओं से युक्त जो स्थायी भाव है वे उनका आस्वादन करते हैं कौन सुमनसा प्रेक्षका। यहाँ शब्द सुमनसा प्रेक्षका का है दर्शकों के लिए सामाजिकों के लिए सहृदयों के लिए आया है। कौन सहृदय जो संवेदनशील है जो उस रसास्वादन को करने में सक्षम है। तो ऐसे जो प्रेक्षक ऐसे जो सामाजिक हैं वो उन स्थायी भावों से रस का आस्वादन करते हैं और उनको क्या प्राप्त होता है हर्षादिश्चादि गच्छन्ति हर्ष आदि को प्राप्त करते हैं। अब जब भरत मुनि ने हर्षादि शब्द कहा तो हर्ष तो सुख के लिए आनंद के लिए आ गया और आदि कहने से परवर्ती काल के काव्य शास्त्रियों में ये चर्चा होने लगी कि रस सुख दुखात्मक है कि जो रसानुभूति है वो सुखमय भी होती है और दुखमय भी होती है। तो यहाँ फिर दो विचार बिंदु भर करके आते हैं कि रस पूर्णतः आनंदमय है या रस सुख दुखात्मक है। तो विद्वानों की दो मत दो भेद हमें यहाँ दिखाई देते हैं इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। यहाँ जो बिंदु हमें मिला है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में सूत्र के रूप में जो आगे चल करके चर्चा का विषय बना है उसकी बात हमने की। तो इस तरह से भरत मुनि ने एक रस निष्पत्ति को लेकर के विशद विवेचन किया। भरत मुनि के बाद अभिनव गुप्त आए और उन्होंने रस का जब परिभाषित किया तो उनके अनुसार लोक व्यवहार में रति आदि भावों के जो कारण कार्य और सहकारी होते हैं वे ही नाट्य अथवा काव्य में विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं जिनके लिए भरत मुनि ने भावा अनुभाव व्यभिचारी कहा था उन्हीं को स्पष्ट करते हुए उन्हीं को परिभाषित करते हुए अभिनव गुप्त ने कहा कि लोक व्यवहार में जिन्हें हम कारण कहते हैं वे ही नाट्य अथवा काव्य में विभाव कहलाते हैं। लोक व्यवहार में जिसे हम कार्य कहते हैं वही काव्य शास्त्र में अनुभाव के नाम से जाने जाते हैं और जो सहकारी कारण है जो उस आनंद को उस रस को बढ़ाने वाले हैं वह सहकारी कारण ही काव्य शास्त्र में व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं। तो काव्य में निबद्ध होने पर इनका लौकिक स्वरूप नष्ट हो जाता है और वे अलौकिक रूप धारण कर लेते हैं। सामाजिक इन विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों का संवेद रूप से प्रत्यक्षीकरण करता है और यह प्रत्यक्षीकरण या चरवणा ही रस है। अब देखिए मित्रों अभिनव गुप्त और भरत मुनि के रस की परिभाषा में जो मूल अंतर आया है वह हम देखते हैं। भरत मुनि ने कहा कि जो स्थायी भाव है वे रसत्व को प्राप्त करते हैं। आनंद वर्धन यहाँ परिवर्तन बात कर रहे हैं कि जो विभाव अनुभाव और संचारी भावों का एक जो संवेत रूप है उन तीनों के मिलने के बाद जो प्रत्यक्षीकरण होता है और वो प्रत्यक्षीकरण जो प्रेक्षक करता है जो सामाजिक करता है उसको जो रसानुभूति होती है जिस रस अनुभूति को वे प्राप्त करता है वह अनुभूति या चरवणा ही रस है। तो भरत मुनि की जो स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त करते हैं उसके स्थान पर आनंद वर्धन कह रहे हैं कि प्रेक्षक द्वारा जो चरवणा या प्रत्यक्षीकरण किया जाता है वह रस है और वे विभाव अनुभाव और संचारी इनका संवेत रूप है। तो अभिनव गुप्त के अनुसार स्थायी भाव आस्वाद का विषय होने से रस ना होकर उसकी प्राप्ति का साधन है। रस स्मृति अनुमान प्रत्यक्ष
अनुभव आदि से भिन्न अलौकिक होता है। रस ना कार्य है ना ज्ञाप्य, ना सविकल्पक ज्ञान है और ना निर्विकल्पक ज्ञान है। रस चर्वणा काल में सामाजिक का चित्त देश काल निज पर आदि सभी सीमाओं से मुक्त हो जाता है, तो रस पूर्णतः आत्मविश्रांति रूप होता है। अभिनव गुप्त के अनुसार भावों की भूमिका में आत्म परामर्श होने से जो संविद विश्रांति होती है वही रस है। तो इस तरह से मित्रों अभी हमने चर्चा की भरत मुनि के अनुसार और अभिनव गुप्त के अनुसार रस के अभिप्राय को, उसके अर्थ को लेकर के। अब हम अल्प विराम लेंगे, उसके पश्चात इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम रस के स्वरूप पर चिंतन करेंगे। धन्यवाद। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं डॉक्टर विनीता कुमारी को, जिनके माध्यम से हमने सत्र को यहाँ पूर्ण किया। मित्रों आप सभी से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आप इस विषय पर अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहें। एक अल्प विराम के उपरांत हम आप सभी के सम्मुख पुनः प्रस्तुत होंगे और अपने इस व्याख्यान को जारी रखेंगे। हमें देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, सीईसी के इस लाइव व्याख्यान में आप सभी का पुनः स्वागत है। मित्रों आप सभी अवगत हैं हम आज विस्तृत रूप से रस पर चर्चा कर रहे हैं, इसके अभिप्राय और इसके स्वरूप को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। बताना चाहेंगे कि इस व्याख्यान के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विनीता कुमारी। डॉक्टर विनीता कुमारी स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपके द्वारा हम सदैव लाभान्वित होते हैं और सदैव हमें नए विषयों पर जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों हम चाहते हैं अगर आपके मन में जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो साझा करें हमारे टोल फ्री नंबर के माध्यम से। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-110-430। नंबर पुनः नोट करें 1800-110-430। आइए अब स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर विनीता कुमारी का। डॉक्टर विनीता कुमारी आपका पुनः स्वागत है। धन्यवाद गीतिका। अब हम मित्रों चर्चा करेंगे मम्मट के अनुसार। काव्य प्रकाशकार मम्मट ने रस का संक्षिप्त विवेचन किया भरत मुनि के रस सूत्र को देखते हुए। उनके अनुसार लोक में रति आदि रूप स्थायी भावों के जो कारण कार्य और सहकारी होते हैं वे यदि काव्य या नाट्य में प्रयुक्त होते हैं तो क्रमशः विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहलाते हैं, तथा उन विभाव आदि से व्यक्त वह रति आदि स्थायी भाव ही रस कहलाता है। तो जो भरत मुनि मान रहे थे स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त होता है वही बात
मम्मट भी कहते हैं कि रति आदि स्थाई भाव ही रस कहलाता है। पर आगे चल करके मम्मट ने अभिनव गुप्त की विचारधारा का ही पल्लवन किया है और मम्मट का ये विवेचन अत्यंत संक्षिप्त और भावपूर्ण है। उसके पश्चात रस को एक नवीन रूप से उसका विशद गंभीर विवेचन करते हुए उसका स्वरूप स्पष्ट किया आचार्य विश्वनाथ ने। इनसे पूर्व ध्वनिवादी आचार्यों ने रस को ध्वनि के अंदर ही समाहित कर लिया था, विशेष रूप से अभिनव गुप्त ने। रस की स्वतंत्र सत्ता अपेक्षाकृत कम हो गई थी और ध्वनि के बीच ही उसको स्वीकार किया जाने लगा और रसाभास भावाभास की बात की गई। परंतु आचार्य विश्वनाथ ने उस रस को एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया और भरत आचार्य विश्वनाथ के अनुसार उनका जो प्रसिद्ध रचना है साहित्य दर्पण, उसमें वो लिखते हैं कि सहृदयों के हृदय में स्थित रत्यादि स्थाई भाव ही विभाव अनुभाव और संचारी भावों द्वारा अभिव्यक्त होकर रस स्वरूप को प्राप्त होते हैं। और इसके पश्चात वे रस का स्वरूप कैसा है उसके लिए पूरा एक छंद देते हैं और जिसमें वो स्पष्ट कर देते हैं कि रस अखंड है, रस वेद्यांतर स्पर्श शून्य है, सत्व के उद्रेक से होता है, रस स्वप्रकाशानंद है, चिन्मय है, रस ब्रह्मा स्वाद सहोदर है, लोकोत्तर चमत्कार प्राण है। तो इस रूप में वे रस का पूरा एक स्वरूप चित्रित करते हैं। वे पंक्तियाँ हैं मित्रों, सत्वोद्रेकाद अखंड स्वप्रकाशानंद चिन्मया वेद्यांतर स्पर्श शून्यो ब्रह्मा स्वाद सहोदरा लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कैश्चित् प्रमात्रिभि स्वाकार वद भिन्नत्वेन अयम आस्वाद्यते रसः। अब इसमें रस का पूरा स्वरूप स्पष्ट कर दिया गया है और सबसे पहला विशेषता क्या बताई, सत्व का उद्रेक। सांख्य दर्शन के अनुसार तीन गुण माने जाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में वे तीनों गुण रहते हैं, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। किसी में सत्व गुण की प्रधानता होती है, किसी में रजस गुण की प्रधानता होती है और किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है। पर जब काव्य रस की स्थिति होती है, जब रसानुभूति की स्थिति होती है, उस समय रजोगुण और तमोगुण तिरोहित हो जाते हैं, वे पीछे हो जाते हैं। उनके तिरोहित होने पर सत्व गुण का उदय हो जाता है, उद्रेक हो जाता है, वे अपने चरम पर पहुंच जाता है। तो सत्व गुण का जब उद्रेक होता है तभी रसानुभूति होती है। तो रस को एक सात्विक अनुभूति माना है और क्योंकि साधारणीकरण के परिणाम स्वरूप ही रस की अनुभूति होती है और साधारणीकरण की स्थिति में सहृदय सभी प्रकार के राग द्वेषों से, मैत्री शत्रु भाव से, अपने पराय निज परत्व के भाव से मुक्त हो जाता है, वो इन सब का अतिक्रमण कर जाता है और वे पूर्णतया सत्व की स्थिति रहती है। तो इसलिए विश्वनाथ कहते हैं सत्व के उद्रेक होने पर रस की प्राप्ति होती है। तो इसलिए रस को जो है सत्वोद्रेक की स्थिति सात्विक अनुभूति के रूप में माना है। दूसरा माना अखंड रूप में, पहला कहा सत्वोद्रेक, दूसरा कहा अखंड। अब रस में नाना भाव होते हैं, विभाव भी है, अनुभाव भी है, संचारी भाव भी है, स्थाई भाव भी है। तो इन सब की अनुभूति खंड खंड रूप में होती है या एक साथ होती है, तो उसके लिए आचार्य विश्वनाथ कहते हैं अखंड रूप में, कि जो विभाव अनुभाव संचारी स्थाई भाव है इन सब का जो अस्तित्व है वे अलग अलग नहीं रहता, उनका समवेत रूप में ही
आस्वादन होता है, तो इसलिए रसानुभूति को एक अखंड अनुभूति माना गया है। और फिर प्रश्न उठता है कि जब सामाजिक को रसानुभूति होती है तो क्या उसे विभाव आदि का पृथक पृथक अनुभव होता है या संवेद रूप में अनुभव होता है? तो यहाँ वो स्पष्ट करते हैं कि जो सामाजिक को रसानुभूति होती है वे इन सब भावों की पृथक पृथक अनुभूति ना हो करके एक संवेद रूप में अनुभूति होती है, क्योंकि वो रसानुभूति में परिणत हो जाता है और रसास्वाद एक अखंड अनुभव बन जाता है, इसलिए रस को अखंड कहा गया। अब तीसरी विशेषता कही, वे कहा कि स्वप्रकाश है, कि रस जो है उसको संसार में जितनी भी लौकिक वस्तुएं हैं वे दो प्रकार की हैं। एक है स्वप्रकाश जो अपने आप प्रकाशित होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, दीपक का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है दिखाने के लिए, वो स्वप्रकाश है। पर जैसे घड़ा है, कपड़ा है, घटपट आदि है, अब उनको प्रकाश दिखाने के लिए दीपक के प्रकाश की आवश्यकता है, मतलब वो ज्ञाप्य प्रकाश है, वो स्वप्रकाश नहीं है। मतलब उनके बारे में अगर दीपक जलाया जाएगा तो घड़ा दिखाई देगा, या सूर्य के प्रकाश में अंधेरे में रखी हुई जो वस्तु नहीं दिखाई दे रही थी वे प्रकाश में आने पर दिखाई देने लगती है। परंतु रस जो है वो स्वप्रकाश है, रस संसार के जो सूर्य दीपक आदि जिस प्रकार प्रकाश देते हैं स्वप्रकाशित हैं, उसी तरह से रस भी स्वप्रकाश है। और इसके लिए, इस स्थिति के ज्ञान के लिए किसी अन्य ज्ञान के साधन की अपेक्षा नहीं होती, रसानुभूति बोध स्वरूप ही होती है। इसी तरह से अगला कहा कि रस आनंदमय है। अब आनंदमय जब कहते हैं तो आचार्य विश्वनाथ ने रस को पूर्णतः आनंदमय माना, और रामचंद्र गुणचंद्र जो हैं वे रस को सुख दुखात्मक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी रस की जो अनुभूति है उसको सुख दुखात्मक मानते हैं, क्योंकि जो रस है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, हास्य रस है, वीर रस है, रौद्र रस है, तो इनमें से कुछ रस तो ऐसे हैं जो सुखात्मक हैं, जैसे श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, ये सुखात्मक है, शांत रस। परंतु भयानक रस, विभत्स रस, रौद्र रस, करुण रस, इनको इन आचार्यों ने, इन विद्वानों ने सुखात्मक नहीं माना, क्योंकि जो वस्तु विभत्स है, जिसको देखने से जुगुप्सा का भाव जागृत हो सकता है, होता है, उसको हम सुखात्मक आनंदमय कैसे कह सकते हैं? तो इसलिए कुछ रसों को उन्होंने दुखात्मक माना और कुछ रसों को सुखात्मक माना। परंतु वास्तव में जो देखा जाता है कि जो लौकिक सुख और दुख है, जिन वस्तुओं को देख करके लोक में दुख की अनुभूति होती है, लोक में शोक की अनुभूति होती है, वही जब काव्य में परिणत होते हैं, जब काव्य में आता है तो एक विभावन नामक व्यापार की उत्पत्ति होती है, और उस विभावन नामक व्यापार के कारण साधारणीकरण की स्थिति हो जाती है, और जो सामाजिक है, जो सहृदय है, वे राग द्वेष से ऊपर उठ जाता है, और उस समय उसके मन में ये जो जुगुप्सा आदि का भाव है, जो क्रोध का भाव है, दुख का जो भाव है, वे नहीं रहता। मित्रों, इसको हम इस तरह से समझें, जैसे कोई हम फिल्म देखने गए, अब फिल्म देखते हुए पूरी फिल्म में ऐसे कारुणिक दृश्य आए कि आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे, पूरी फिल्म देखने के बाद थिएटर से बाहर आए, पूछा कैसी लगी फिल्म, तो हमने कहा फिल्म बहुत अच्छी थी। अब फिल्म देखते हुए तो पूरा टाइम आंसू बहते रहे, रोते रहे, और बाहर आकर कह रहे हैं बहुत अच्छी थी, तो फिर तो बाहर आके कहना था कि नहीं, बड़ा दुख हुआ,
तो इससे पता चलता है कि जो काव्य का रस है, जो रसानुभूति है, वे दुखात्मक नहीं होती, वे भावों का उद्रेक करती है। इसलिए पाश्चात्य समीक्षा शास्त्री अरस्तु ने भी कामदी की अपेक्षा त्रासदी को श्रेष्ठ माना है। फिल्मों में हम देखते हैं कॉमेडी फिल्मों की जगह ट्रेजिडी वाली जो फिल्में हैं वे अधिक सक्सेसफुल मानी जाती हैं। यदि काव्य दुखात्मक माना जाता तो रामायण को भी हम दुखात्मक कहते हैं, क्योंकि रामायण का जन्म ही शोकाह श्लोकत्वम आगता, महर्षि वाल्मीकि का शोक ही था जो काव्य में परिणत हुआ। भवभूति की रचना, पूरा उत्तर रामचरित करुण रस से उत्प्रेत है, परंतु उसको पढ़ करके कहीं दुख की अनुभूति नहीं होती। तो इसलिए जब काव्य में वे परिणत हो जाते हैं तो रसानुभूति जो है वो आनंदमय हो जाती है। इसलिए आचार्य विश्वनाथ ने रस को आनंद कहा। अगली रस की विशेषता बताते हैं कि रस चिन्मय है। संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं मित्रों, वे दो रूप में हैं, जड़ रूप में या चेतन रूप में। तो जो चेतन रूप में है, जो वस्तुएं हैं चेतन या चिन्मय रूप में, उनमें रस जो है उसको चेतना की अनुभूति माना गया है, वो चैतन्य अनुभूति है, और इंद्रिय अनुभूति का उसमें अभाव होता है, और चैतन्य आत्मा स्वाद का सद्भाव बना रहता है। तो इसलिए रस को चिन्मय कहा गया है, क्योंकि जो रसानुभूति है वो इंद्रिय जन्य अनुभूति से ऊपर है, इसलिए रस को लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा। अगली विशेषता बताई वेद्यांतर स्पर्श शून्य। वेद्यांतर स्पर्श शून्य से क्या अभिप्राय है? वेद्य मतलब ज्ञान, ज्ञेय पदार्थ, कि जब सामाजिक, जब सहृदय काव्यानुभूति से जोड़ता है तो उस समय उसे किसी अन्य वस्तु का, किसी अन्य पदार्थ का ध्यान या ज्ञान नहीं रहता है। जैसे नाटक देखते हुए सामाजिक पूरी तरह से नाटक से जुड़ जाता है, फिल्म देखते हुए वे पूरी तरह से उस फिल्म से जुड़ जाता है, वे देश काल की सीमा से परे हो जाता है, मित्रता भाव शत्रुता भाव से परे हो जाता है, वो उस समय उसे किसी अन्य ज्ञान की अनुभूति नहीं रहती है। तो इसलिए रस को कहा गया कि वे वेद्यांतर स्पर्श शून्य है। फिर रस की एक और विशेषता बताई कि रस ब्रह्मा स्वाद सहोदर है। देखिए रस के लिए शब्द परमात्मा भी चलता है, रसो वही सा कहा गया तैतरीय उपनिषद में, और जो ब्रह्म का आस्वादन है, जो योगी साधक ब्रह्म की अनुभूति को प्राप्त करते हैं और जिस अलौकिक आनंद का अनुभव करते हैं, तो वही आनंद, उसी वैसी ही अनुभूति काव्य रस से प्राप्त होती है, ये आचार्य विश्वनाथ कहते हैं। परंतु ब्रह्मा स्वाद ना कह करके ब्रह्मा स्वाद सहोदर शब्द कहा कि उसके समान, उसकी जैसी होती है, उसकी सहोदर के रूप में है, क्योंकि जो ब्रह्मा स्वाद है, ब्रह्म का आस्वाद है, वो नित्य है, वे हमेशा बना रहने वाला है, वे लौकिक नहीं है, वे अलौकिक है, वे समाप्त होने वाला नहीं है, चिर आनंद रूप है। पर जो काव्यास्वाद है, काव्यानुभूति है, वो उस समय विशेष में जब काव्य का स्वादन कर रहे हैं उस समय विशेष के लिए बनी रहती है, हम उससे पहले नहीं थी, उसके बाद नहीं रहती, कुछ समय बाद नहीं रहती, तो इसलिए वो नित्य ना होने के कारण उसको सहोदर कहा, ब्रह्मा स्वाद नहीं कहा। तो इस तरह से जो लौकिक विषयों से ब्रह्मानंद जो है वो असंपृक्त रहता है, लौकिक विषयों से ब्रह्मा स्वाद का कोई संबंध नहीं है, और ब्रह्मा स्वाद स्थायी होता है, जबकि ये जो काव्यास्वाद है, रसानुभूति है, ये लौकिक विषयों से पूर्णतया असंपृक्त नहीं होती है।
पूरी तरह से स्थाई नहीं होती है, इसीलिए इसे ब्रह्मास्वाद सहोदर कहा गया। फिर कहा गया कि रस जो है वो लोकोत्तर चमत्कार प्राण है, कि रस इस लौकिक आनंद का विषय नहीं है, लोक से ऊपर का है। एक मित्रों रस को लेकर के, रस की अलौकिकता को लेकर के भी बड़ा विवाद उठ गया कि रस लौकिक है या रस अलौकिक है। तो रस को लौकिक कहा जाए या अलौकिक कहा जाए? अब यहाँ विश्वनाथ रस को लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहते हैं कि उसकी जो रसानुभूति है वो लोक के रस से ऊपर है। जैसे हम स्वादेंद्रिय से, रसना से जिन वस्तुओं का आस्वादन लेते हैं वे क्षणिक होते हैं, कुछ देर के लिए होते हैं, परंतु जो ब्रह्म लोक ये रसास्वाद काव्य के का रस है वे क्षणिक नहीं होता है, वे देर तक बना रहने वाला होता है। वे ना सविकल्पक ज्ञान है ना निर्विकल्पक ज्ञान है, ना प्रत्यक्ष है ना परोक्ष है, ना कार्य है ना ज्ञाप्य है। तो इस तरह से रस को लोकोत्तर माना है, क्योंकि जो लौकिक वस्तुएं हैं वो या तो कार्य रूप रहेंगी या ज्ञाप्य रूप रहेंगी। कार्य रूप जैसे घटपट है, घड़ा है, घड़ा मिट्टी से बना है, कुम्हार ने चाक से उसको बनाया है, तो उसका निमित्त है, उसका कारण है, तो वो कारण से निर्मित हुआ है कार्य। और कुछ वस्तुएं होती हैं ज्ञाप्य रूप में, मतलब जो वस्तु है परंतु हमें दिखाई नहीं दे रही, अंधेरा घड़ा रखा हुआ है, अंधेरे में रखा हुआ है, वे हमें दिखाई नहीं दे रहा, परंतु जैसे ही प्रकाश आया तो वे हमें दिखाई दे गया, तो वो ज्ञाप्य है। अब जो कार्य रूप वस्तुएं हैं वो कारण के समाप्त हो जाने पर भी बनी रहती हैं, जैसे हम घड़ा देखें, कुम्हार की मृत्यु हो गई, चाक टूट गया, पर जो घड़ा बना हुआ है वे घड़ा तो रहेगा, कुम्हार के मरने पर घड़ा तो समाप्त नहीं हो गया, तो कारण के ना रहने पर भी वे कार्य रूप में है। ऐसे ही जो ज्ञाप्य वस्तुएं हैं, प्रकाश ना रहने पर वे दिखाई नहीं दे रही परंतु वे वस्तुओं का अस्तित्व है। परंतु रस जो है काव्य रस, वे ना कार्य है ना ज्ञाप्य है, क्योंकि विभाव अनुभव संचारी का जब संयोग हो रहा है उससे पहले रस नहीं था, काव्य रस की अनुभूति नहीं थी, तो कारण कार्य भाव भी नहीं कह सकते हम इसको, और इसको हम ज्ञाप्य ज्ञापक भाव भी नहीं कह सकते। इसी तरह से जो संसार की वस्तुएं हैं वे नाम रूप जाति आदि से पहचानी जाती हैं, तो वो सविकल्पक है, रस रसानुभूति को हम सविकल्पक नहीं कह सकते, और ब्रह्मानुभूति की तरह निर्विकल्पक भी नहीं कह सकते। तो ना कार्य रूप है ना ज्ञाप्य रूप है, ना सविकल्पक है ना निर्विकल्पक है। और इसी तरह से जो संसार के संबंध है वो सुख दुखात्मक होते हैं, किसी से हमारा मित्रता का संबंध है, किसी के साथ हमारा शत्रुता का संबंध है, और किसी के साथ हमारा तटस्थता का संबंध है, हम तटस्थ है, उदासीन है, ना मैत्री भाव है ना शत्रुता का भाव है। परंतु जब रसानुभूति की स्थिति होती है तब हम इन सभी संबंधों से निज पर के भाव से ऊपर हो जाते हैं, देश काल की स्थिति से भी ऊपर हो जाते हैं। और उस समय जो जैसे दुष्यंत शकुंतला का प्रेम दिखा रहे हैं, दुष्यंत शकुंतला का रति भाव है, तो उनका रति भाव जो सहृदय का रति भाव है उसके साथ उनका साधारणीकरण हो जाता है, तो वो जो रसानुभूति है इसलिए उसे आचार्य विश्वनाथ लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहते हैं। और फिर स्वाकार वद अभिन्न, अभिन्न शब्द का कि वे अपन रसानुभूति जो है वे अपने आकार से अभिन्न हो जाती है, अंतर नहीं रहता है, कि रसानुभूति के समय सहृदय पूरी तरह से रस के प्रति
समर्पित होता है। तल्लीनता की इस स्थिति में उसे अपने पृथक अस्तित्व का भान ही नहीं होता, बोध ही नहीं होता, उसका साधारणीकरण हो जाता है। जैसे नाटक मंच पर अभिनीत हो रहा है तो जो अभिनेता मंच पर अभिनय कर रहा है तो उस अभिनेता के साथ सहृदय का एक साधारणीकरण हो जाता है, उसमें अभिन्नता का भाव आ जाता है। और सामाजिक जब रसानुभूति करता है तो वह अपने पराए का भेद मिट जाता है, उसके भीतर से वह भेद नहीं रहता है। और इसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक सामान्य भाव भूमि कहा है, जहाँ व्यक्ति अपने पराए का भेद भूल जाता है तथा वह स्वार्थमय संबंधों का अतिक्रमण कर हृदय की मुक्तावस्था या रस दशा का अनुभव करता है। तो हृदय की जो मुक्तावस्था है, जो रस दशा है, वही संस्कृत काव्य शास्त्रियों ने उसे साधारणीकरण कहा, वही रस कहे। और ये कैसी है, जो सहृदय में और अभिनेता में अभिन्नत्व ले आती है, उनका भेद समाप्त कर देती है। तो जो अभिनेता का सुख है दुख है, वो दर्शक का या सामाजिक का भी सुख दुख बन जाता है। वे उसके सुख में सुख का अनुभव करता है और उसके दुख में दुख का अनुभव करता है। तो इस तरह से अयम आस्वाद्यते रसा, इस प्रकार से रस का आस्वादन किया जाता है। तो ऐसे रस आस्वादित किया जाता है। तो मित्रों, इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ ने रस के स्वरूप को स्पष्ट किया, विशद रूप में उसका विवेचन विस्तार से किया। और इसके साथ ही चर्चा प्रारंभ हो गई कि रस आनंदमय है या रस सुख दुखात्मक है। इसी के साथ एक और चर्चा का विषय बना कि रस सविकल्पक है या निर्विकल्पक है। एक और चर्चा का विषय बना, एक और विवाद का विषय बना कि रस विषयगत है या आत्मानुभूति है, आत्मविषयक है, आस्वाद्य है या आस्वाद रूप है। तो रस को आस्वाद्य रूप में भरत मुनि ने जब माना था तो उसके पश्चात ध्वनिवादी आचार्यों ने रस को आस्वाद रूप में, विषय के रूप में मान लिया। तो ये हमने आज रस के स्वरूप को लेकर के विस्तार से चर्चा की। तो रस जो एक सामान्य अर्थ में एक द्रव्य के रूप में, एक तरल पदार्थ के रूप में, एक आस्वादन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उस लौकिक रस से काव्य रस किस प्रकार से भिन्न है और इस रस का क्या स्वरूप है, इस पर आज हमने विस्तार से चर्चा की है। तो मित्रों, आज की हम चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और यहाँ पर हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर नीता कुमारी जी को, जिनके माध्यम से आज हमने रस पर चर्चा की और हमने जाना इसके अर्थ को और इसके स्वरूप को। मित्रों, हम यही चाहते हैं कि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो, तो आप साझा कर सकते हैं हमारे साथ। आप हमारी ईमेल आईडी के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info.cec@nic.in। मित्रों, अगर आपके मन में जो प्रश्न है, अगर आप चाहते हैं कि उसका जवाब मिले, तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा और हम कोशिश करेंगे जब डॉक्टर विनीता कुमारी अगली बार हमारे साथ हमारे स्टूडियो में होंगी, तो हम साक्षात सीसी के लाइव व्याख्यानों के माध्यम से आपके प्रश्नों के हल देने की कोशिश करेंगे। मित्रों, इस व्याख्यान को जल्द ही आप सभी के लिए YouTube पर अपलोड किया जाएगा और हम यही चाहते हैं कि आप बार बार इन लेक्चर्स को देखें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। आज हम आपसे इजाज़त लेते हैं इस वादे के साथ कि आप सभी से पुनः मुलाकात होगी आगामी सेशंस में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद हम आपका। धन्यवाद।